अमृतसर के मोहकमपुरा इलाके में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां शमशान घाट में बारात आई। शमशान घाट में ही विवाह की सारी रस्मों को पूरा किया गया और दुल्हन पूजा की डोली की विदाई भी वहीं से की गई। यह पहली घटना है कि किसी शमशान से किसी दुल्हन की डोली उठी हो। नव दंपति ने अपने नए जीवन की शुरुआत मोहकमपुरा के बिलावाला चौक स्थित शमशान घाट से की है। लड़की का परिवार गरीब है और शमशान घाट में ही रहता है। लड़की पूजा अपने दादा दादी के साथ रहती थी। दादा की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। अब दादी और पोती ही शमशान घाट में बने छोटे से पुराने घर के कमरे में रह रही है। दादी प्रकाश कौर को पूजा की शादी की चिंता थी। परिवार गरीब होने के कारण बेटी की शादी के लिए कोई होटल बुक नहीं करवा सकी थी। इलाका निवासियों ने बारात के खाने, शगुन, परिवार के लिए जरूरत की सामग्री आदि की मदद के साथ बेटी की शादी की और यहीं से डोली को पूरे सम्मान के साथ विदा किया। इलाके के निवासियों ने बताया कि जोड़ा फाटक से बिल्लावाला चौक के पास शमशान घाट में यह शादी करवाई गई। यहीं पर ही दादी और उसकी एक पोती लंबे समय से रह रहे थे। दादी की उम्र भी काफी अधिक है। इलाका निवासियों ने बेटी के लिए एक लड़का ढूंढा और शादी करवा दी। लड़के के परिवार ने भी शमशान में रहने वाले परिवार की लड़की के साथ शादी करने पर कोई ऐतराज नहीं जताया, जिसके चलते लोगों के सहयोग से सारी विवाह की रस्मों को पूरा करके डोली शमशान घाट से विदा की गई। बारात के लिए खान पान की भी वहां पर हलवाई लगाकर व्यवस्था की गई थी। इलाका निवासियों ने कहा कि शमशान से पवित्र कोई जगह नहीं है, एक ना एक दिन हर एक को यहाँ आना पड़ता है।